फ्लेवर का बना के रख दिया आपने? मैंने ये मैंगो, हाँ केसर मैंगो, अच्छा केसर पिस्ता, ये कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम है? ये वेनिला है, ठीक है। तो मैंगो में भी वेनिला ही आइसक्रीम है, डिफरेंट टेस्ट है, एकदम एकदम रियल टेस्ट है, वाह वाह एकदम रियल टेस्ट है। देखा पड़ गया इसमें,
ये अभी काजू डाल रहे हैं, ये काजू सब में पड़ेगा। हाँ सब। और ये कौन सा फ्लेवर है? मैंगो है। मैंगो केसर। मैंगो केसर। ये पाइन। ये पाइनएप्पल। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैकी भाई है। जैकी भाई। ये दुकान है तो ही मेरा नाम है और मेरे ग्राहक है तो ही मेरा नाम है। ये बहुत बढ़िया। पूरे सूरत के कस्टमर जो है वो हमारे लिए भगवान समान है, वो आ रहे हैं इसके लिए हमारी दुकान का नाम है, हमारा नाम है इसके, वो लोग हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पे स्पेशल क्या है आपका? ये हमारी सबसे स्पेशल आइटम है मलाई काजू लस्सी। मलाई काजू लस्सी। हाँ, ये मलाई काजू लस्सी आज से नहीं चल रही है, 70 साल से चल रही है। ये हम लोग तीसरी पीढ़ी आ गए, हमारे दादा और दादी ने ये बिजनेस चालू किया था, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, वो फुटपाथ पे तो रहते थे। इतना कठिन परिस्थिति में से वो लोग आए, ये पूरा बिजनेस डेवलप किया और आज पूरे सूरत में ये जयशंकर लस्सी का नाम है चौक बाजार जगह पे। हाँ, उसके बाद हमारे पापा है, उन्होंने उसका डेवलपमेंट किया पूरा। हमारे पापा है, उन्होंने वेराइटीज रख दिया पूरे लस्सी में। हाँ, पूरे सूरत में कोई को मालूम नहीं था उतनी वेराइटीज लस्सी हमारे पापा ने इसके अंदर डाली। ड्राई फ्रूट लस्सी, मलाई लस्सी, काजू लस्सी, पिस्ता लस्सी, श्रीखंड लस्सी, आइसक्रीम लस्सी, गुलाब लस्सी, मैंगो, ये पूरे इंडिया में लस्सी में इतनी वेराइटीज चालू करने वाले ओनली जयशंकर लस्सी है। बहुत बढ़िया। तो ये स्टार्टिंग कितने से होता है प्राइस? ये हमारा जब मेरे दादा दादी ने चालू किया था ना, ओनली 10 पैसे का ये लस्सी बेचते थे। 10 पैसा आज की तो जनरेशन ने वो देखा भी नहीं होगा 10 पैसा। बिल्कुल, मैंने देखा इतना था, मेरे घर पे 10 पैसा आता था। जो व्यापार होता है ना, 10 पैसा हम लोग गिनती करते थे ये पैसे की। इसके लिए हमको मालूम है कि 10 पैसा क्या है, 25 पैसा क्या है। तो ये अगर हमारे व्यूअर्स को अगर यहाँ पे आना, एक बार आप एड्रेस बताइए। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े रहोगे तो हर एक रिक्शे वाले को भी इसका हमारा एड्रेस मालूम है कि चौक बाजार जयशंकर लस्सी हाउस जलाराम रसा वाला खमन, तो आँख बंद करके आपको इधर लेके आ जाएगा। सूरत का कोई भी टैक्सी वाला के कोई भी रिक्शे वाला आपको दूसरा सवाल भी नहीं पूछेगा कि ये कहाँ पे। आप खाली नाम बोलोगे चौक बाजार जयशंकर लस्सी और जलाराम रसा वाला खमन, तो रिक्शा सीधा इधर आ। ये कौन से ईयर में चालू किया था आपने बताया पिताजी ने? ये हमारा 1947 में चालू किया था हमारे दादा दादी ने, उन्होंने पूरा डेवलप किया ये बिजनेस।